खबर गाजियाबाद से है, जहां यूपी गेट और कौशाम्बी बस अड्डे के बाद रविवार को लालकुआं पर घर जाने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से लालकुआं पर घर जाने वालों के लिए विभिन्न रूट पर रोडवेज बसें लगाई गयी। लालकुआं पर कंट्रोल रूम स्थापित कर IGTM और SSP ने व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाला। यूपी गेट के साथ साथ SSP ने लालकुआं बस स्टैंड भी पूरी तरह से खाली करा दिया। SSP ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों को बसों में बैठाया और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वहां से रवाना किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने 3 दिन से लगातार जो लोग डिस्ट्रेस में थे, जो लोग समस्या में थे, उनकी समस्या के कारण ऑन रोड हो गए थे, जिनको पैदल चलना पड़ रहा था, और जैसा कि उनके लिए पूरा प्रबंध यहाँ पर किया गया था जिला प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा, उनको जो फैसिलिटेट किया गया है, उसके बाद अब ये स्थिति बनी है कि अभी कौशाम्बी बस अड्डा जो मेरे ठीक पीछे है, ये पूरी तरह से अब खाली हो चुका है। और कुछ है कि लोग जो हैं इस तरह के हैं वो अब यहाँ पर हैं। पूरी पुलिस फोर्स दिन रात लगी रही और पूरा कोशिश किया गया कि कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी तरह का अन्य क्राइम ना हो, या किसी भी तरह की कोई असुविधा जो है ऐसी उत्पन्न ना हो जिसके कारण ये समस्या और कोई विकराल रूप ले ले। रात दिन के अथक मेहनत के बाद अभी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है और सभी फोर्स को बता दिया गया है कि जो लॉकडाउन होता है उसका अक्षर सा जो पालन है वो करना सुनिश्चित करें। पूरे जनपद भर में जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उसको रोकने के लिए बता दिया गया है।